हेलो एवरीवन, मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का वीडियो लेक्चर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम बात कर रहे हैं बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम के बारे में। इसके पहले हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए हैं और हमने देखा है कि किस तरीके से बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जो कि बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम का ही प्रॉब्लम है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, The horizontal beam of section shown in figure below is 4 meter long and is simply supported at the ends. Calculate the maximum UDL it can carry if tensile and compressive stress must not exceed 25 megapascal and 45 megapascal respectively. ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन में बेसिकली दिया क्या है, एक बीम है जो दोनों ही एंड्स पे सपोर्टेड है और ये बीम की जो लंबाई हो 4 मीटर है ना। बीम जो है दोनों एंड पे ऐसा सपोर्ट है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम की तरह है, सपोर्टेड है। और इस बीम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसको हम UDL कहते हैं, ये एक्ट कर रहा है। इस UDL की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कि मैक्सिमम कितना UDL ये बियर कर सकता है, कैरी कर सकता है, इसको हमें सॉल्व करना है। इस प्रॉब्लम में ये तो दिया हुआ है, साथ ही साथ ये जो बीम है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आप देखेंगे इस तरीके से शेप में चैनल सेक्शन है। ये डायमेंशन हमें दिया हुआ है 100 mm हाइट, 120 mm ये लेंथ है, बाकी के डायमेंशन भी ये 20 mm दिया हुआ है थिकनेस जो है। तो ये जो बीम है जो 4 मीटर लेंथ में है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पूरे लंबाई में इस चैनल सेक्शन की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसके पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किया है उसमें रेक्टेंगल या सर्कुलर इस तरीके के क्रॉस सेक्शन के लिए हमने सॉल्व किया है। इस प्रॉब्लम में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है थोड़ा अलग है, कंपोजिट सेक्शन है ना। और ये सेक्शन हमें दिया हुआ है और प्रॉब्लम में इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, बीम की लंबाई दिया हुआ है। अब ये जो UDL है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेस, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस कितना है, इसकी वैल्यू भी दी हुई है। दो वैल्यू यहाँ पे हैं, 45 मेगा पास्कल और 25 मेगा पास्कल। तो 25 मेगा पास्कल जो है वो टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू है और 45 मेगा पास्कल कंप्रेसिव स्ट्रेस। हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई बीम बेंड हो रहा है तो उसके एक तरफ कंप्रेसिव स्ट्रेस और दूसरे तरफ टेंसाइल स्ट्रेस आता है। तो इस बीम में आप देखेंगे तो ये बीम जो है नीचे की तरफ इस तरीके से बेंड होगा और इसके टॉप वाले लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस और नीचे बॉटम लेयर पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। तो ये वैल्यू अलग अलग दी हुई है। इस प्रॉब्लम में दोनों वैल्यू अलग अलग इसलिए है क्योंकि ये जो सेक्शन है वो न्यूट्रल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट में सिमेट्रिक नहीं है। अगर ये सिमेट्रिक रहता तो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों की वैल्यू इक्वल होती है ना। अनसिमेट्रिक सेक्शन है न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में, इसलिए टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू अलग अलग होगी टॉप लेयर पे और बॉटम लेयर पे। क्लियर है? तो ये दो वैल्यू हमें दिया हुआ है स्ट्रेस का, दोनों वैल्यू को यूज़ करके हमें UDL फाइंड आउट करना है। UDL फाइंड आउट करने के लिए हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन अप्लाई करेंगे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे आएगा तो यहाँ पे हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लेंगे, UDL के टर्म में आएगा। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता होना चाहिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में दिया नहीं है, यहाँ पे ये सेक्शन दे दिया है। तो इसमें एडिशनल जो वर्क आपको करना है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके बारे में हम अलग से डिस्कस कर चुके हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रॉइड वाला जो लेक्चर है उसको आप देखेंगे तो आपको क्लियर होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट कर लेते हैं। जो सेंट्रॉइडल एक्स एक्सिस होता है वही न्यूट्रल एक्सिस होता है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड हम फाइंड आउट करेंगे। सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हमने ये बेसिक एक्सिस कंसीडर किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसके बाद ये कंपोजिट एरिया का प्रॉब्लम है तो अलग अलग एरिया में ब्रेक कर लेते हैं। ये एरिया वन है, रेक्टेंगल वन, रेक्टेंगल टू और ये रेक्टेंगल थ्री। तीन रेक्टेंगल में इसको ब्रेक कर सकते हैं।
सभी रेक्टेंगल का डायमेंशन हमें पता है। रेक्टेंगल वन का बी वन 120 mm, एच वन 20 mm, रेक्टेंगल टू के लिए एच बी टू 20 mm, एच टू 100 mm हो जाएगा, और रेक्टेंगल थ्री के लिए बी थ्री 20 mm और एच थ्री की वैल्यू 100 mm है। तो इस तरीके से हमने तीन रेक्टेंगल में इसको ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद हम सभी इंडिविजुअल एरिया, सभी रेक्टेंगल के एरिया का जो सेंट्रॉइड का लोकेशन है वो एक्स और वाई एक्सिस से हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, ये रेक्टेंगल वन का खुद का सेंट्रॉइडल एक्सिस है एक्स वन वाई वन, इसका पोजीशन हमें पता है एच बाई टू और बी बाई टू पे ये होता है। तो इसका पोजीशन हम एक्स एक्सिस से फाइंड आउट करेंगे और वाई एक्सिस से फाइंड आउट करेंगे। उसी तरीके से रेक्टेंगल टू का सेंट्रॉइडल एक्सिस भी हमें पता रहता है एच बाई टू और बी बाई टू पे ये होता है। तो एक्स टू वाई टू हमने सेंट्रॉइडल एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। उसी तरीके से रेक्टेंगल थ्री का भी सेंट्रॉइडल एक्सिस हमें पता है एच बाई टू और बी बाई टू पे। तो सभी रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड का लोकेशन हम एक्स और वाई एक्सिस से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए, ये टेबुलेशन फॉर्म में हम फाइंड आउट कर लेंगे। रेक्टेंगल वन का एरिया हमें मिल जाएगा बी वन इंटू एच वन, जो कि 2400 mm² मिलेगा। अब ये रेक्टेंगल वन का जो सेंट्रॉइड सी वन मिला है उसका लोकेशन एक्स और वाई एक्सिस से हमें लेना है। तो ये एक्स एक्सिस से ये डिस्टेंस हो जाएगा और वाई एक्सिस से ये डिस्टेंस हो जाएगा, है ना। एक वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है उसको एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इस तरीके से डिनोट कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वर्टिकल डायरेक्शन में उसको हमने वाई वन वाई टू वाई थ्री से डिनोट किया। तो रेक्टेंगल वन के लिए एक्स वन की वैल्यू 80 mm आएगा, ये वैल्यू यहाँ से 20 + 120/2, ये 80 mm हमें मिल जाएगा। और वाई वन की वैल्यू एक्स एक्सिस से रेक्टेंगल वन के लिए ये एच वन बाई टू होगा 20/2, या इसको हम 10 mm ऐसा सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से बाकी रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड है उसका लोकेशन हम एक्स और वाई एक्सिस से फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स टू की वैल्यू 10 mm, वाई टू की वैल्यू 50 mm आ जाएगा। रेक्टेंगल थ्री के लिए उसका सेंट्रॉइड का लोकेशन एक्स और वाई एक्सिस से ये मिलेगा 150 mm फ्रॉम वाई एक्सिस, एंड फ्रॉम एक्स एक्सिस रेक्टेंगल थ्री का जो सेंट्रॉइड है वो 50 mm के डिस्टेंस पे। तो इस तरीके से ये सभी वैल्यू मिलेगा। साथ ही साथ आप सभी रेक्टेंगल का एरिया भी कैलकुलेट कर लेंगे। रेक्टेंगल टू का एरिया ए टू हमें मिलेगा 2000 mm², और एरिया थ्री ए थ्री हमें मिल जाएगा 2000 mm². इस तरीके से ये सभी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमने पहले किया हुआ है, तो इजीली आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमें पता चल गया भाई सभी इंडिविजुअल एरिया का सेंट्रॉइड का लोकेशन। हम पूरे कंपोजिट प्लेन का सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्स सी का फार्मूला ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री अपान ए वन प्लस ए टू प्लस एस थ्री। सभी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, इसको पुटअप करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो एक्स सी जो पूरे कंपोजिट एरिया है उसका सेंट्रॉइड का लोकेशन वाई एक्सिस से 80 mm हमें मिलेगा, जो कि एक्स सी है। उसी तरीके से वाई सी ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू प्लस ए थ्री वाई थ्री ये अपान ए वन प्लस ए टू प्लस एस थ्री। सभी वैल्यू अवेलेबल है। वाई सी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये मिला 35 mm। वाई सी क्या है? पूरे कंपोजिट एरिया का जो सेंट्रॉइड पॉइंट है उसका लोकेशन है एक्स एक्सिस से। तो ये दोनों वैल्यू हमें मिल गया। अब हम इसका सेंट्रॉइडल एक्सिस ड्रॉ करेंगे। देखिए, ये वाई एक्सिस से 80 mm के डिस्टेंस पे, जहाँ से हमने वाई वाई एक्सिस जो कि सेंट्रॉइडल वाई एक्सिस है, और बॉटम से 35 mm के डिस्टेंस पे एक्स एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइडल एक्सिस है, ये हमें मिल जाएगा। और दोनों एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो सेंट्रॉइडल पॉइंट है, क्लियर है। इस तरीके से हमने ये सेंट्रॉइड ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये तो सेंट्रॉइड हमें मिल गया। अब ये जो एक्स एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल सेंट्रॉइडल एक्सिस से, यही इस कंपोजिट एरिया का क्या होगा? न्यूट्रल एक्सिस भी होगा। तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, तो ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे कंपोजिट प्लेन एरिया का हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसको आप जाके देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड आउट करें। तो टोटल कंपोजिट एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स वन प्लस आई एक्स टू प्लस आई एक्स थ्री होगा। आई एक्स वन आई एक्स टू आई एक्स थ्री
ये इंडिविजुअल रेक्टेंगल 1, 2 और 3 का मोमेंट ऑफ इनर्सिया है एक से एक्स एक्सिस के अबाउट। अब ये आई एक्स वन और आई एक्स टू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पैलर एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो आई एक्स वन की वैल्यू आई एक्स वन बार प्लस डी वाई स्क्वायर ए वन हो जाएगा पैलर एक्सिस थ्योरम से। आई एक्स वन रेक्टेंगल वन के खुद के सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स वन के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्सिया जो कि हमें पता है डी वाई एक्स और एक्स वन के बीच का डिस्टेंस और ए वन एरिया है रेक्टेंगल वन का, तो ये आई एक्स वन की वैल्यू मिलेगा। उसी तरीके से आई एक्स टू की वैल्यू हमें मिल जाएगा पैलर एक्सिस थ्योरम से, आई एक्स टू बार प्लस डी वाई स्क्वायर ए टू। आई एक्स टू बार रेक्टेंगल टू का मोमेंट ऑफ इनर्सिया है एक्स टू एक्सिस के अबाउट में जो कि उसका सेंट्रोइडल एक्सिस है बी एच क्यू अपॉन 12 के बराबर ये होता है। डी वाई एक्स टू और एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है और ए टू एरिया है। उसी तरीके से रेक्टेंगल थ्री के लिए हमें मिलेगा पैलर एक्सिस थ्योरम से आई एक्स थ्री की वैल्यू आई एक्स थ्री बार प्लस डी वाई स्क्वायर ए थ्री। आई एक्स थ्री बार रेक्टेंगल थ्री के एक्स सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स थ्री के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्सिया है जो कि बी एच क्यू अपॉन 12 के बराबर होता है। डी वाई एक्स थ्री और एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है ए थ्री एरिया है रेक्टेंगल थ्री का। तो ये सभी वैल्यू हमें पता रहता है, जैसे कि आई एक्स वन की वैल्यू निकाल रहे हैं तो आई एक्स वन की वैल्यू क्या होगा, आई एक्स वन बार प्लस डी वाई स्क्वायर ए वन होगा। तो यहाँ पे आई एक्स वन बार जो है बी एच क्यू अपॉन 12 होता है, तो ये बी एच की वैल्यू रखेंगे 120 × 20 का क्यूब अपॉन 12 प्लस डी वाई की वैल्यू 35 − 10 हो जाएगा एक्स वन और एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस और एरिया ए वन 2400 है। उसी तरीके से आई एक्स टू की वैल्यू पैलर एक्सिस थ्योरम से हमें मिलेगा आई एक्स टू बार का वैल्यू बी एच क्यू अपॉन 12 होगा रेक्टेंगल टू के लिए बी 20 और एच 100 mm है, तो ये हम पुटअप करेंगे। डी वाई एक्स टू और एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है जो कि 50 − 35 मिल जाएगा इसका स्क्वायर और एरिया ए टू 2000 mm स्क्वायर है। इसी तरीके से आई एक्स थ्री की वैल्यू पैलर एक्सिस थ्योरम से हमें मिलेगा बी एच क्यू अपॉन 12 प्लस डी वाई का स्क्वायर ए थ्री। बी एच बी और एच की वैल्यू पता है रेक्टेंगल थ्री के लिए 20 और 100, ये हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। डी वाई की वैल्यू 50 − 35 होगा एक्स थ्री और एक्स एक्सिस के बीच का डिस्टेंस और एरिया ए थ्री 2000 है। तो ये पैलर एक्सिस थ्योरम से हम इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे। आई एक्स वन की वैल्यू हमें 158 000 mm² मिलेगा। आई एक्स टू की वैल्यू 211 666 mm² मिल जाएगा और आई एक्स थ्री की वैल्यू 211 666 इस तरीके से मिलेगा। तो ये सभी इंडिविजुअल रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्सिया है एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट में। हम तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल कंपोजिट एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्सिया हमें मिलेगा 581 332 mm⁴। ये मोमेंट ऑफ इनर्सिया है हॉरिजॉन्टल एक्स एक्स एक्सिस के अबाउट में। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस एक्स एक्स है यही इसका न्यूट्रल एक्सिस है, ठीक है, जो कि बेस से कितना डिस्टेंस पे है 35 mm के डिस्टेंस पे है और उसका टॉप से हम डिस्टेंस देखें तो ये 65 mm होगा। तो ये जो बीम का सेक्शन है उसके बॉटम लेयर और टॉप लेयर से ये न्यूट्रल एक्सिस का पोजीशन हमें पता है। अब बॉटम लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस है इसलिए हमने यहाँ पे ये वाई का डिस्टेंस वाई टी ले लिया है और इसके टॉप लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है इसलिए इसको हमने वाई सी ले लिया है ना। तो बॉटम पे टेंसाइल स्ट्रेस और टॉप पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा तो उन दोनों लेयर के लिए हमने ये वाई का वैल्यू वाई सी और वाई टी से डिनोट किया हुआ जो कि हमें मिला हुआ है। और इस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट में हमने मोमेंट ऑफ इनर्सिया भी फाइंड आउट कर लिया है आई एक्स एक्स 581 332 mm⁴। कंप्रेसिव स्ट्रेस दिया हुआ है, देखिए बॉटम लेयर पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा सिग्मा टी, तो ये वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 25 newton/mm² जो कि न्यूट्रल एक्सिस से वाई टी डिस्टेंस पे 35 mm डिस्टेंस पे ये कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा। उसी तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेस भी दिया हुआ है 45 newton/mm² जो कि टॉप लेयर पे आएगा और ये 65 mm डिस्टेंस पे है वो लेयर न्यूट्रल एक्सिस से, तो ये वाई सी 65 mm डिस्टेंस पे जो स्ट्रेस आएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस है और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस है जो कि 45 newton/mm² है।
तो ये वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए हमें जो यूडीएल ऐड कर रहा है बीम में, ये यूडीएल हमें फाइंड आउट करने करना है। तो ये यूडीएल की वैल्यू हम मान लेते हैं कि डब्ल्यू न्यूटन पर एमएम है ना, डब्ल्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है न्यूटन पर एमएम में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे डब्ल्यू कैसे फाइंड आउट करें, तो बेंडिंग इक्वेशन यूज़ करना है। वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आपको पता होना चाहिए। तो जब इस तरीके से यूडीएल एक्ट कर रहा हो किसी सिंपली सपोर्टेड बीम पे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे आता है, और सेंटर पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन एट के बराबर होता है, जो कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है इसके सेंटर पॉइंट पे। एल की वैल्यू मीटर में 4 मीटर दिया हुआ है, उसको हम एमएम में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का वैल्यू जो मिलेगा वो 2 × 10⁶ डब्ल्यू न्यूटन एमएम मिल जाएगा। ये जो वैल्यू है वो डब्ल्यू यूडीएल के टर्म में हमें मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बेंडिंग इक्वेशन यूज़ करना है, तो हमारे पास दो स्ट्रेसेस हैं, एक कंप्रेसिव स्ट्रेस और दूसरा टेंसाइल स्ट्रेस है ना। तो देखेंगे कि इसमें जो पूरा सेक्शन है उसमें स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस और हमने रेफरेंस लाइन ड्रॉ किया हुआ है ना। बॉटम लेयर पे और टॉप लेयर पे स्ट्रेस पता है। देखिए टॉप लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आ रहा है, जिसकी वैल्यू 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, और बॉटम लेयर पे जो कि न्यूट्रल एक्सिस से 35 mm है, वहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये पता है ना। तो जैसे जैसे आप बॉटम से न्यूट्रल एक्सिस की तरफ जाएंगे, स्ट्रेस की वैल्यू कम होते जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस कम होगा, और जैसे जैसे टॉप बॉटम लेयर से न्यूट्रल एक्सिस की तरफ बढ़ते जाएंगे, टेंसाइल स्ट्रेस कम होते जाएगा। तो इस तरीके से ये जो डायग्राम है वो स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखा रहा है कि इस पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो मैक्सिमम स्ट्रेसेस हैं, सिग्मा सी और सिग्मा टी। तो दोनों को लेके हम यूडीएल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए एट लोअर आउटर मोस्ट लेयर या नीचे वाले लेयर की बात करें, तो वहाँ पे बेंडिंग इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे, तो एम अपान आई इज इक्वल टू सिग्मा टी अपान वाई टी हो जाएगा। यहाँ पे एम आई और सिग्मा टी वाई टी सभी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, इसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो यू डी एल डब्ल्यू का जो वैल्यू है वह हमें मिलेगा 2.076 न्यूटन पर एमएम। ठीक है, ये देखिए ये मैक्सिमम यू डी एल है, हम इतना अप्लाई करेंगे तो ये बॉटम लेयर पे जो स्ट्रेस इंड्यूस होगा वो 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इंड्यूस होगा, जो कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस है बॉटम लेयर पे। बट क्या इस लोड पे 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का स्ट्रेस इंड्यूस होगा? इससे ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होना चाहिए इस लोड पे, इससे कम हो सकता है। 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस हो सकता है टॉप लेयर पे, उससे ज़्यादा का स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा स्ट्रेस इंड्यूस होगा तो बीम जो है फेल हो जाएगा। तो इस लोड पे क्या इतना स्ट्रेस इंड्यूस होगा, ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, अभी ये सॉल्व कर लेते हैं टॉप लेयर पे, कि टॉप लेयर पे 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का स्ट्रेस आ रहा है, तो उसके लिए लोड कितना लगेगा, मैक्सिमम लोड कितना लग सकता है। तो यहाँ पे हम टॉप लेयर पे बेंडिंग इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एम अपन आई इज इक्वल टू वाई सिग्मा सी अपन वाई सी, सभी वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। सिग्मा सी की वैल्यू 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, वाई सी की वैल्यू 65 mm है, और एम और आई की वैल्यू तो पता ही। यहाँ से हमें डब्ल्यू की वैल्यू मिलेगा, जो कि यू डी एल है, मैक्सिमम यू डी एल की वैल्यू है 2.012 न्यूटन पर एमएम, और इस मैक्सिमम लोड पे जो टॉप लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा वो 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो इस दोनों वैल्यू को आप कंपेयर करिए। देखिए अगर हमने 2.076 न्यूटन पर एमएम का लोड लगाया, तो टॉप बॉटम लेयर पे 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, है ना। लेकिन यदि हमने इस लोड को लगा दिया, तो टॉप लेयर पे जो स्ट्रेस आएगा वो 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज़्यादा आएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोड 2.012 न्यूटन पर एमएम लगाएं यूडीएल, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस मैक्सिमम 45
न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ रहा है टॉप लेयर पे, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा लोड लगा देंगे तो टॉप लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जितना मैक्सिमम लिमिट है उतना है। वहाँ तक स्ट्रेस इंड्यूस हो सकता है, उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन दोनों रिजल्ट से हम क्यों ये क्लियर हुआ कि भाई अगर 2.076 न्यूटन पर एमएम का लोड लगा दे, जो कि यूडीएल है, तो उसके कारण बॉटम में तो 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का टेंसाइल स्ट्रेस आएगा, लेकिन टॉप लेयर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ जाएगा, तो इस लोड को हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब दूसरा वैल्यू हम चेक करेंगे, 2.012 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, तो इतना हम लोड लगाएंगे तो टॉप लेयर पे मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आएगा, लेकिन बॉटम लेयर पे टेंसाइल स्ट्रेस कितना आएगा? देखिए, ज़्यादा लोड लगा रहे हो तो 25 आ रहा है, तो मैक्सिमम इतना स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन हम ऑलरेडी कम लोड लगा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस लोड के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेस लेस देन 25 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आएगा बॉटम लेयर पे टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू। इसका मतलब ये है कि दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है, मतलब 2.012 न्यूटन पर एमएम का हम मैक्सिमम लोड लगाएंगे, जिसके लिए इस बीम में टॉप बॉटम लेयर पे जो भी स्ट्रेस आएगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन टॉप लेयर पे 45 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का स्ट्रेस इसमें आएगा, और बॉटम लेयर पे जो स्ट्रेस आएगा 25 से कम आएगा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे इंड्यूस होगा। क्लियर है? तो ये फाइनली हमारा जो आंसर आएगा, यूडीएल मैक्सिमम यूडीएल जो ये बीम कैरी कर सकता है वो है 2.012 न्यूटन पर एमएम। क्लियर है? आई होप कि ये आज जो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार आप रिवाइज करिए, सारे वीडियोस को देखिए, साथ ही साथ जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के जो वीडियो है सेंट्रोइड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, उसको भी आप देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि हम किस तरीके से सेंट्रोइड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।